वेलकम टू द कॉलेज ऑफ जीनियस। और ये है केमिस्ट्री के प्रोफेसर। इनका असली नाम तो शायद ही किसी को याद हो, क्योंकि स्टूडेंट्स इन्हें प्रोफेसर ओटू के नाम से बुलाते हैं। इनका मानना है कि ऑक्सीजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन लव। और ये है फिजिक्स के प्रोफेसर, हु बिलीव्स दैट ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैस हैपनिंग अराउंड अस। इसीलिए स्टूडेंट्स ने इनका नाम प्रोफेसर ग्रेविटी रख दिया है। और ये है मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ नंबर्स टू मल्टीप्लाई एंड गेट बिग फिगर्स। और लोग इन्हें प्रोफेसर डिशुम के नाम से जानते हैं। और इन प्रोफेसर्स के तीन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, टेलीपैथी, टेलीविजन एंड ऑसिलेटर। जी हाँ, तीनों प्रोफेसर्स ने इन्हें यही नाम दिए हैं। टेलीपैथी हमेशा अपने आसपास होने वाली घटनाओं को महसूस करता रहता है, वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, वगैरह वगैरह। टेलीविजन इज ऑलवेज चीयरफुल एंड स्प्रेड्स हैप्पीनेस अराउंड हिम, और जल्दी ही सबसे दोस्ती कर लेता है। ऑसिलेटर इज ए डीप थिंकर बट इनडिसाइसिव, कि क्या करें और क्या ना करें, बस इसी में उलझा रहता है। टेलीपैथी और टेलीविजन से इसकी दोस्ती है और तीनों साथ में मौज मस्ती और साथ में पढ़ाई करते हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू कीप अस अवे? हमें जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सर, लव। हम प्यार के बिना नहीं जी सकते सर। इडियट्स, होल्ड योर ब्रेथ। एक मिनट सांस रोक कर देखो जरा। सर, और नहीं रोक सकते। देखा, प्रूव हो गया ना कि जीने के लिए वोटी यानी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड सर। ओके स्टूडेंट्स, कल हम हिस्ट्री यानी वाट के बारे में पढ़ेंगे, व्हिच इज अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स। ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो हु इज क्रिएटिंग ऑल द मैस अराउंड अस? हु इज हर्टिंग अस व्हेन वी फॉल ऑन द ग्राउंड? हु इज बाइंडिंग अर्थ विद द सन एंड मून? सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। नॉनसेंस, इट्स ग्रेविटी व्हिच पुल्स अस डाउन एंड मेक्स अस फील हैवी। वी गेट हर्ट ऑन फॉलिंग बिकॉज ऑफ आवर मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तुमने कभी किसी पत्ते को जमीन पर गिरने पर चोट खाकर रोते हुए देखा है? नो सर। एग्जैक्टली। अंडरस्टूड सर। ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन? यस सर। व्हेन वी सी अ ब्यूटीफुल गर्ल देन वी फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। आर यू अ न्यू एडमिशन? टुडे ओनली आई जॉइन द फैकल्टी। ओके, कम इन, टेक सीट। ओके स्टूडेंट्स, हम कहाँ थे? सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट इज रियली अमेजिंग सर। सो स्टूडेंट्स, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस ड्यू टू ग्रेविटेशन। ओह माय गॉड, वेट, होप इट वॉज लव। इतने सालों से हम यही सोचते रहे कि ये प्यार है जो हमें अट्रैक्ट करता है। थैंक्स टू न्यूटन फॉर क्लेरिफाइंग एंड सेविंग आवर टाइम एंड मनी फ्रॉम फॉलिंग इन लव। यार, ये तो मेरे सपनों वाली लगती है। ले, नाम लिया और आ गई तेरी ड्रीम गर्ल। अबे ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। Can I join you guys? Of course. वैसे आपका न्यूटन वाला रियलाइजेशन बहुत अच्छा था, कम से कम अब तुम अपनी स्टडी पे फोकस करोगे। यार वो तो बस ऐसे मुझसे निकल गया था, बट एक्चुअली आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ लव। ऐसा क्यों? हाँ यार, ये तो अपने सपनों की दुनिया में खोया रहा। तो तुम इसकी बात से सहमत हो? हम सब दोस्त हैं यार।
एक ने जो बोल दिया वो तीनों का स्टेटमेंट हो गया। अच्छा चलो अब प्रोफेसर डिसुम की क्लास का टाइम हो गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। ओके सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास टुडे? सर खुद ही काउंट कर लो। डू यू नो नंबर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ? व्हेन वी ऐड वी गेट डबल अप। When we multiply, we get big figures. And big figures mean big profit. You get it? Understood, sir. Student, do you know about permutation and combination? Anyone in the class? Yes, sir. When we sit with our girlfriend, then it is permutation. But when we sit randomly with others' girlfriend without any orders, then it is combination. One example. Sit down. Thank you, sir. But you have got it right. Now let's learn the derivation of formula for the permutation and combination. Okay, sir. Okay, sir. यार ये पढ़ाई खत्म हो और मैं जॉब पे लगूं। यार ये टेलीकॉम इंजीनियर का काम बड़ा एडवेंचरस होगा ना। मोबाइल के तार से तार जोड़ना और लोगों को मिलाना। हाँ यार मुझे भी उसी दिन का इंतजार है कि बस पढ़ाई खत्म हो और मैं अपने मन की जॉब करूँ। ब्रॉडकास्टिंग में जॉब मिल जाए यार, मजा आ जाए। यार मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है, बस जो भी करूँ उसमें फायदा होना चाहिए। तब तो तू जरूर बिजनेसमैन बनेगा। ये ले, तू तो पास हो गया। और तू? यार मुझे कौन फेल करेगा, मेरा भी नाम होगा इसी किसी लिस्ट में। ये रहा तेरा नाम भी, तू भी पास हो गया। और तू ऑसिलेटर? हाँ मेरा भी ये नाम लास्ट फेल, मगर तेरी ड्रीम गर्ल का नाम नहीं दिख रहा है। क्या वो फेल हो गई? लगता तो ऐसे है, चलो ढूंढते हैं उसे। हाँ वो गेट के आसपास ही होगी, चलो। ईशा तुमने अपना रिजल्ट देखा क्या? क्यों मैं फेल हो गई क्या? तुम्हारा नाम नहीं है रिजल्ट की लिस्ट में। डोंट वरी यार, कुछ गलती हो गई होगी, तुम तो हम सबसे अच्छी हो पढ़ाई में। आज तुम तीनों के साथ मैं भी पास हो गई। तुम्हारा नाम नहीं है लिस्ट में। दरअसल मैं यहाँ काउंसलर की जॉब के लिए आई थी, तो प्रोफेसर रेविटी ने पूछा कि क्या मैं नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकती हूँ, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स। फिर उन्होंने मुझे तुम तीनों की पिक्चर दिखाई और कहा कि तुम्हें इन तीनों जोकरों को सही रास्ते में लाना है, और प्रिंसिपल सर ने कहा कि दिस इज माय चैलेंज। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, मैंने तो पता नहीं क्या क्या सपने बुन रखे थे। हाँ यार धोखा तो किया, पर हम सब पास तो हो गए। बात तो सही है, अल्टीमेटली फायदा तो हमारा ही हुआ। सो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। ओ क्या हाल है भाई? भैया और कैसा है? बढ़िया। और क्या चल रहा है भाई? बोर। क्या हाल चाल है भाई? और कैसा है? ठीक है। कहाँ पहुँचे? यार मुझे तो एक अच्छी टेलीकॉम कंपनी में जॉब मिल गई है, और आखिरकार मैं वो करने जा रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हाँ यार मैं अभी अब ब्रॉडकास्टिंग की जॉब शुरू कर रहा हूँ एक स्पोर्ट्स चैनल में। आई फील गुड दैट माई वर्क विल एंटरटेन मिलियंस ऑफ पीपल्स एंड मेक देम हैप्पी। मैं तो अभी तक बिजनेस प्लानिंग ही कर रहा हूँ यार। यार किसी के अंडर काम करना मेरे बस की नहीं है, सोच रहा हूँ अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस ही खोल लूँ। हाँ यार सही है, सबसे पहले अपनी फिल्म बनाइयो। यार हम तीनों ने साथ साथ पढ़ाई की, फिर साथ साथ मस्ती की। वी शुड थैंक्स टू द ड्रीम गर्ल जो हमें सही समय पर सही रास्ते पर ले आई। तो बोल देना थैंक यू।
ये तुम्हारे साथ। बेटा जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। जब ये मोटिवेशन हमारे एग्जाम पास करा सकता है तो क्या पूरी जिंदगी नहीं रह सकता। सो आई प्रपोज यार, उन्हें हमें कभी बताया नहीं। ये कोई बताने की चीज़ है, प्यार तो समझने की चीज़ है। तुम लोग तो छुपे रुस्तम निकले यार। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर लव लाइफ। क्या हम सब लोग साथ में रहेंगे, साथ जॉब करेंगे, एक दूसरे की मोटिवेशन बनेंगे। Yes, and we should thanks to Professor Gravity, जिन्होंने मुझे मौका दिया और तुम तीनों से मिलवाना। Thanks to Mr. Gravity.